हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8। अब लेक्चर नंबर 8 एक्चुअली हमारा है क्या, उसको अब हम समझते ध्यान से। तो देखो सबसे पहले हमने कहाँ तक खत्म कर लिया था बच्चों, वीवीटी थियरी तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था। यहाँ पर कहाँ तक खत्म कर लिया था, वीवीटी थियरी तक। आज हम स्टार्ट करेंगे सीएफटी थियरी, और सीएफटी थियरी में हम स्टार्ट से इनिशियली हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा सीएफटी थियरी। देखो सीएफटी थियरी को जानने से पहले सीएफटी थियरी का आना क्यों हुआ वो इम्पोर्टेंट है। अब सीएफटी थियरी आपका क्यों आया उसका आना इम्पोर्टेंट है। अब सीएफटी थियरी क्यों आया होगा, सोचिए, सिंपल बात है, सीएफटी थियरी क्यों आया होगा, क्योंकि वीबीटी ने कुछ चीज़ें नहीं बताई होगी। एक्चुअली हमने तो डिटेल में पढ़ लिया था वीबीटी थियरी, लेकिन वीबीटी थियरी ने कई बातें ऐसी है जो हमने निकाली है वीबीटी से थियरी से, लेकिन वो एक्चुअली उसने नहीं बताया था, वो एक्चुअली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो थोड़ा हमने निकाल लिया वो अलग बात है, हमने निकाल लिया दिस इज अ डिफरेंट थिंग, मैंने आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा दिया दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट वीबीटी कुछ बातें नहीं बता पाया था, ठीक है। अब कौन कौन सी बातें नहीं बता पाया था वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थियरी, क्या लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थियरी। अब वीबीटी थियरी, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थियरी, अब वीबीटी थियरी का हमारा क्या लिमिटेशन रहा है बेटा इसमें। सबसे पहला जो हमारा लिमिटेशन है, इट कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इट कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं he cannot give exact value of magnetic moment। ये इसने मैग्नेटिक मोमेंट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाया, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। अब इसी बात को अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इट कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इट मींस व्हाट। हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, अब आपके मन में आएगा सर हम जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे क्या वो गलत था। हाँ ऑब्वियसली गलत था, एक्चुअली वो आप लोगों का गलत होता है, लेकिन हम लोगों को वही कंसिडर करके चलना पड़ता है, ठीक है। हम लोग उसी का कंसिडरेशन लेके चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो कुछ का मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़्यादा आ रहा था, कुछ का मैग्नेटिक मोमेंट मतलब जो हम निकालते हैं जैसे 4.9 अंडर रूट ऑफ आपका अगर अंडर रूट ऑफ 3 होता है तो क्या होता है बेटा 1.84। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब n की वैल्यू आपकी 1 होती है तो अंडर रूट ऑफ 3 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है 1.84 बोर मैग्नेटॉन, वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ 2 होती है तो कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 2 + 2 = 8 होता है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2.95 बोर मैग्नेटॉन कुछ। अगर यहाँ पर आपका 3 होता है, अप्रोक्सीमेटेड डेटा है, ठीक है। अब 3 होता है तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 15 होता है, जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है 3.95 कुछ बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को मैथमेटिक्स में पता होगा अंडर रूट की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होगी, लेकिन यहाँ पर समझो अगर n की वैल्यू मैंने लिख दिया 4, अब n की वैल्यू जब मैंने 4 लिख दिया तो 4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 24। अंडर रूट ऑफ 24 का कितना होगा 4.95 बोर मैग्नेटॉन, और अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पर 5 × 2 = 7 35, मतलब 5.95 बोर मैग्नेटॉन। अब देखो बातों को ध्यान से समझो, ये मैंने मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जनरली कब, इसमें मैंने केवल और केवल क्या कंसिडर किया, इसमें केवल और केवल मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉन आपका दो तरीके से मोशन करेगा, थोड़ा सोचो, थोड़ा इस चीज को डिटेल में सोचो तो आप लोगों को समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे और वो ऑर्बिट में भी घूम रहा होगा, बात समझ में आ रही है। जैसे आप सिंपली समझो सन है, सन के आजू बाजू अर्थ घूम रहा है ना, अर्थ आपका रोटेट कर रहा है, तो सन के आजू बाजू अर्थ घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, और
और अपने एक्सिस पे अर्थ भी घूम रहा है। तो यहां पर दो तरीके के मोमेंट है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में भी आपके दो तरीके के मोमेंट होंगे, एक तो वो खुद स्पिन करेगा, एक तो वो खुद स्पिन कर करेगा, एक वो ऑर्बिट में घूमेगा। दो तरीके का मोमेंट होता है। तो हमने तो केवल और केवल यहां पर हमने केवल और केवल कौन से मोमेंट को कंसिडर किया, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को। हमने केवल और केवल यहां पर फॉर मैग्नेटिक वैल्यू यहां पर लिख लो, इट इन दिस थियरी ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट विल बी कंसिडर। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इन कंसिडरेशन। मतलब यहां पर क्या है, ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडरेशन में लिया गया। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को यहां पर आप लोगों का कंसिडरेशन में लिया गया, और कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। अब ध्यान रखना कि एक्चुअली अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं पर नोट डाल के आप लोग समझ सकते हैं। नोट डाल के इलेक्ट्रॉन का मोशन दो तरीके से होता है। एक तो वो ऑर्बिटल में मोशन करेगा, और ऑर्बिटल मोशन एक कौन सा मोशन करेगा, एक अपने एक्सिस पे, जो कि कौन सा होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब स्पिन ओनली मोशन में एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, और एक मैंने ऐसे बनाया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल वाले इसने कंसीडर नहीं किए। ठीक है, ऑर्बिटल वाला मोशन इसने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है वो थोड़ी सी कम आती है। केवल और केवल क्यों कम आती है ये आपको पता पड़ गया होगा, ये एक्चुअली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडर किया इसने। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम दोनों एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां पर वीबीटी ने केवल और केवल मैग्नेटिक मोमेंट में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडर किया। और कभी आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाए, व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, What is the value of spin only magnetic moment of this complex? तो क्या करोगे बच्चों आप लोग, तो क्या करोगे, तब आपको घबराना नहीं है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है यही वाला, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग और अनपेयर से जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग और अनपेयरिंग से निकलता है तो। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो तरीका हम कर रहे थे वो केवल और केवल क्या था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या था वो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ये मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसका एक और सुसाइड इफेक्ट हो सकता है। आप जाके पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में कुछ कंपाउंड ये है जो अपने हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। दैट इज अ क्लियर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पर आप लोगों का एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मतलब टेम्परेचर का जो इफेक्ट है मैग्नेटिक मोमेंट पे वो आप लोगों का एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा इस थियरी से। बात क्लियर है, काफी इजी, एक बार और करो। ठीक है, अब देखो हमने तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट और वीक फील्ड लिगेंट मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बेचारे ने ये भी नहीं बता पाया, वीएबीटी थ्योरी से हमको ये भी नहीं पता पड़ रहा है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है या वीक फील्ड लिगेंट है। तो इस चीज का ध्यान रखो, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वीक फील्ड लिगेंट, सीधा बोल देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ
लीगेंड, ये स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड क्या होगा बच्चों, वीक फील्ड लीगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड को भी ये आप बेचारा एक्सप्लेन आप लोगों का नहीं कर पाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड स्ट्रेंथ होने की वजह से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आएंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जनरली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। ठीक है, सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, सो इट ऑल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन दैट it also cannot explain inner orbital complex and outer orbital complex. inner orbital complex and outer orbital complex. बात क्लियर है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये कैसे बता सकता है कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। हाँ, तो आपके मन में अब डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो बता दिया। ठीक है, देखो मैंने जो बताया वो मैंने पीछे वाले कंसेप्ट को भी आगे लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के सोचने की टेंडेंसी बढ़े। ठीक है, लेकिन ये तो लिमिटेशन था। ठीक है, एक और लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या इसने यहाँ पर आप लोगों की गलतियाँ की है। ठीक है, तो इतने आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, फिर आगे डिटेल में मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगा इसमें। तो ये लिमिटेशन ऑफ VBT है। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे मेरी थियोरी लानी होगी तो मैं पीछे की कमियों को सुधार के लेके आऊंगा ना। तो अब जो CFT पढ़ने वाले हैं तो CFT में इस थियोरी को सुधारा गया। CFT में इस थियोरी को क्या किया गया बेटा, सुधारा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका VBT में हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड बताया इसने कौन सा बॉन्ड बताया था, कोवलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से समझना, मैं आगे वाले कंसेप्ट में इस क्वेश्चन को लेने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या किया था कि देखो, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आफ्टर इंटरमिक्सिंग क्या करता था बच्चों, यहाँ पर ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता था और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाते थे। तो जहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है, और जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा वहाँ क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। वो कोवलेंट बॉन्ड से इसने बताया था, इसने क्या बताया था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसने किसका यूज किया बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। लेकिन जो अगले आने वाली थ्योरी है वो आपका CFT थ्योरी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, जनरली पूछ लेते हैं, वो ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये मैं अपने क्वेश्चन सेगमेंट में लेता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर CFT थ्योरी, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो यहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है,
एक नई थ्योरी है जो कि वीबीटी के लिमिटेशन से बनी है। किसी चीज की कमी आपको नई चीज बनाने की परमिशन दे देती है, ठीक है। कोई भी चीज का अगर लिमिटेशन होगा तो आपको नई चीज बनना चाहिए, कोई भी चीज का, ठीक है। तो आप देख लेते हैं व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप लोगों का यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होगा बच्चों, उसको समझते हैं। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका यहाँ पर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझना ध्यान से यहाँ पर एक सिंपल तरीके से। ये मेरे पास डी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के चारों ओर सराउंडेड में लिगेंट आए, कौन आया? लिगेंट आया। डी ऑर्बिटल के चारों ओर सराउंडिंग में कौन आया बच्चों? लिगेंट आया, ठीक है। लिगेंट के आने से लिगेंट आए, चारों ओर सराउंडिंग में लिगेंट आए, बात को ध्यान से समझना, लिगेंट आया, ठीक है, ये बात को ध्यान से समझना, लिगेंट आया। लिगेंट के पास लोन पेयर होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास लोन पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास लोन पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये डी ऑर्बिटल में मेटल आयन में, मेटल आयन जो होंगे, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, देखो होते होंगे, चेक करो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों? आपस में ये रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, कौन से फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे? रिपल्सिव फोर्स को। और इसी रिपल्सिव फोर्स की वजह से डी ऑर्बिटल का शेप एंड साइज, डी ऑर्बिटल जो आपके डी के पांच ऑर्बिटल होते हैं वो एक एनर्जी लेवल पर होते हैं, वो एक एनर्जी लेवल पर ना होके वो दो अलग अलग एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, वो दो अलग अलग एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। मतलब समझना, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है तो कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब थोड़ा इस बात को पॉइंट आउट करते हैं बच्चों, समझते हैं कि कुछ ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो इस चीज को समझते हैं कि जिस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो अगर लोन पेयर के ज्यादा क्लोज होगा तो वहां रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, और जब वहां रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इस कंसेप्ट को डील किया। कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों ये, ठीक है। क्या हुआ फिर से समझो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स ज्यादा कब होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स ज्यादा कब होगा? ये इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर के बीच रिपल्सिव फोर्स ज्यादा कब होगा? ये ज्यादा आपका तब होगा जब दोनों के बीच डिस्टेंस कम होगा, होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा मतलब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, और कुछ जो डी ऑर्बिटल है वो दूर होने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि कुछ आपके डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम स्टेटमेंट को लिखते लिखते समझेंगे, आप लोग इसको नोट डाल के लिख लो, ये आपका समरेटिव तरीके से, ये आपका शॉर्ट फॉर्म थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरी क्या है शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखवाया है थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब एक चीज ध्यान रखो कि रिपल्सिव फोर्स तो आपको आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहां तक आप लोग ध्यान रखो। और ध्यान रखना हमेशा एक और पॉइंट, डी जनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा? वो ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विच हैज सेम एनर्जी। नहीं समझ में आया, मतलब अभी देखो ये जो डी ऑर्बिटल है इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है, तो ये आपस में क्या है बेटा? डी जनरेटेड ऑर्बिटल, कौन से हैं? डी जनरेटेड। अब आगे जाके क्या ये सेम लेवल पे है? नहीं है, तो मतलब इसकी इसमें कितने ऑर्बिटल है? पांच डी ऑर्बिटल है जो कि डी जनरेटेड है, आगे जाके नहीं है, मतलब आगे जाके इसकी डी जनरेसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, आगे जाके इसकी डी जनरेसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बात को एक और बार समझो, पांच ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है,
जिनकी एनर्जी लेवल एक ही लाइन पर बनाया, एक ही लाइन पर बनाया, इसका मतलब क्या है, सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल है। सेम एनर्जी लेवल होने की वजह से इसकी क्या होगी बच्चों, इसको हम बोलेंगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही लिगेंड पास में अप्रोच करेगा, लिगेंड पास में जाएगा और डी ऑर्बिटल के पास जाएगा, अप्रोच करेगा मेटल आयन पे, मेटल आयन पे जैसे ही आपका लिगेंड अप्रोच करेगा, कुछ डी ऑर्बिटल की साइज बढ़ जाएगी और कुछ डी ऑर्बिटल की साइज, सॉरी, कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो एनर्जी सेम लेवल की थी वो नहीं रही, इसका मतलब उसने अपनी डीजनरेसी को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, उसने अपने डीजनरेसी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं जो लिखा रहा हूं वो भी आपको ऑब्वियसली अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। ठीक है, अब देखिए, हाँ एक और चीज है बच्चों, यहां पर एक और चीज बोलते हैं, यहाँ रिपल्शन फोर्स की बात कर रहे हैं और अट्रैक्शन फोर्स की। तो रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स हम किस में देखते हैं, दो अलग अलग चार्ज में देखते हैं ना बच्चों, प्लस और माइनस में। रिपल्सिव फोर्स हम कहाँ देखते हैं, प्लस और माइनस में, और प्लस और माइनस की वजह से जो जो आपका बॉन्ड क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, वो एक्चुअली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो यहां पर मतलब जनरली बोल सकते हैं कि यहां पर इसने आयोनिक बॉन्ड माना, आयोनिक बॉन्ड भी मान सकता है और डायपोल डायपोल बॉन्ड भी बॉन्ड माना है, इस तरीके का। आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे तो दोनों पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम। अब आगे मैं थियोरी लिखवाता हूँ आप लोगों को, समझना है इसको अच्छे से। आप लोगों ने अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो थियोरी आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगी। थियोरी लिखवा देता हूँ मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को, देख लेते थ्योरी हम लोग। यहां पर द सेंट्रल मेटल आयन एटम इज सराउंडेड बाय अ लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन आयंस नहीं पहले एटम्स इज सराउंडेड बाय लिगेंड विच कंटेन वन एंड मोर देन वन लोन पेयर्स। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम आपके लिगेंड से सराउंडेड होगा और वो जो सराउंडेड होगा वो आपके एक या एक से ज्यादा होगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, अब आप देख लेते बच्चों सेकंड। देखो यहां पर जो लिगेंड होगा वो आपके दो टाइप का होगा, लिगेंड आपके कितने टाइप का होगा बच्चों, दो टाइप का। कौन कौन से दो टाइप का होगा, एक होगा एनायनिक, एक होगा एनायनिक लिगेंड। ठीक है, एक होगा आपका कौन सा, यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड। मैंने दो टाइप के बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक होगा एनायनिक, एक होगा न्यूट्रल लिगेंड। एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। अब नेगेटिव चार्ज वाला एनायनिक लिगेंड क्या करेगा, एनायनिक लिगेंड आप लोगों का यहाँ पर क्या करेगा, उस बात को आपको समझना है। एनायनिक लिगेंड को हम किसकी तरह अप्रोच करेंगे, एनायनिक लिगेंड को हम मानेंगे एक पॉइंट चार्ज। क्या मानेंगे, एक पॉइंट चार्ज। आप लोगों को फिजिक्स में लिया जाएगा, आप लोगों को पॉइंट चार्ज लिया जाएगा। आपको बाद में पता पड़ेगा जब आप इलेक्ट्रो स्टेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एनायनिक लिगेंड को हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट चार्ज। और न्यूट्रल लिगेंड को हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर जल्दी बोलो, न्यूट्रल लिगेंड को हम यहाँ पर एक डाइपोल लेंगे। क्या लेंगे, न्यूट्रल लिगेंड को एक तरीके का डाइपोल। मतलब बात समझ में नहीं आ रही। अब मान लेते हैं जैसे न्यूट्रल लिगेंड COA, ठीक है, COA, मैंने CO बना दिया, न्यूट्रल लिगेंड कार्बोनिल। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये माइनस और ये प्लस, तो इसके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट हो गई और पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से इसको मैंने क्या माना, डाइपोल। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, मतलब जैसे मैंने मान लिया O2 माइनस,
ठीक है, तो ये सीधा इसको मैं क्या मान लूंगा, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको हम, पॉइंट चार्ज। अब क्या होगा, यहां पर मैंने बता दिया कि लिगेंड आपके दो टाइप के होंगे, एनायनिक लिगेंड को हम पॉइंट चार्ज मानेंगे और न्यूट्रल लिगेंड को हम क्या मानेंगे बच्चों, डाइपोल, न्यूट्रल लिगेंड को हम क्या मानेंगे बच्चों, डाइपोल। अब तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है, यहां पर क्या होगा, तीसरा पॉइंट समझना, इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड, लिगेंड एंड मेटल आयन, लिगेंड एंड मेटल आयन, ठीक है, ये आपका क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड और मेटल आयन के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, प्योरली, वो आपका प्योरली आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया है, वो आपका प्योरली कैसा माना गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, वो आपका प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया है। तो इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन इज प्योरली, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया है मतलब क्या होगा, अगर ये डाइपोल होगा, डाइपोल होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, डाइपोल होगा तो किसी एक के ऊपर प्लस आएगा, किसी एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर प्योरली, प्योरली उसको मतलब रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेगा, ठीक है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन लिगेंट और मेटल आयन को प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया है, चलो ठीक है। देयर आर नो कंसीडर्ड, देयर आर इन दिस कंसेप्ट, इन दिस थियरी नो एनी टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन कंसिडरेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इट्स ओवरलैप, इन दिस थियरी नो एनी टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इट्स ओवरलैप इज नॉट इन कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है मतलब इन सी एफ टी थियरी में जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन को हमने क्या माना है, इंट्रैक्शन को एक्चुअली इसने लिया गया है एक तरीके का आयोनिक बॉन्ड से रिलेट कर दिया है, किसकी तरह रिलेट किया है, आयोनिक बॉन्ड से रिलेट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डाइपोल बॉन्ड से रिलेट किया है, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर सिंपल लिखो डाइपोल टाइप का माना गया है, क्या माना गया है, डाइपोल टाइप का, ठीक है, इस चीज को समझो, ये आपका कैसा माना गया है, डाइपोल टाइप का माना गया है, दो टाइप का माना गया है यहाँ पर सीएफटी थ्योरी में इंट्रैक्शन को। लेकिन वीवीटी थ्योरी में जो इंट्रैक्शन था, इंट्रैक्शन आपकी किसकी वजह से होता था बच्चों, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से हुआ करता था, इसीलिए इसको क्या मानते थे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आप बात समझना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या है, आप देखो, आप लोग जान रहे हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के वैकेंट ऑर्बिटल में आपका पूरा का पूरा लोन पेयर दिया जाया करता था। अगर लोन पेयर का डोनेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो फॉर्म होगा ना बच्चों, अगर लोन पेयर का डोनेशन होगा तो इसका मतलब वहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, वहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। अब क्या होता है, सबसे पहले अब इसका फोर्थ पॉइंट अब हम ध्यान से समझते हैं। अब देखो, जो जो लाइनें मैंने बताई है वही सब आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है, आप एक ही चीज को दो बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपका किस तरीके से होगा बच्चों, ध्यान से समझना कि यहां पर कोई डी ऑर्बिटल है, यहां पर 5D ऑर्बिटल है, ठीक है ना,
ये अलग अलग आप लोगों को अलग अलग बताऊंगा मैं, यहाँ पर आपके कितने डी ऑर्बिटल है, 5D ऑर्बिटल है, ठीक है, कितने 5D ऑर्बिटल है। 5D ऑर्बिटल पर सबसे पहले यहाँ पर विदाउट लिगेंड, यहाँ पर मेटल आयन की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल मेटल आयन, केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, मेटल आयन, आइसोलेटेड गैसेस, आइसोलेटेड गैसेस, मतलब आइसोलेटेड वर्ड का मतलब अकेला है, ये अभी क्या है बेटा, अकेला है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस पर कोई लिगेंड अटैक करेगा, इस पर कौन अटैक करेगा, लिगेंड मतलब अप्रोच करेगा। अगर लिगेंड दो टाइप का हुआ, अगर लिगेंड आपका सिमेट्रिकल हुआ और एक अनसिमेट्रिकल हुआ, अनसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि कहीं से भी आ जाएगा, किसी भी साइड से, और सिमेट्रिकल हुआ मतलब जितना एक्स से आ रहा है उतना वाई से आ रहा है उतना जेड से आ रहा है, ठीक है, इक्वल मतलब चारों तरफ से सिमिलरली वे में आ रहा है। तो अगर लिगेंट सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट है, कैसा है, सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट अप्रोच करेगा एक अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट, अगर सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट अप्रोच करेगा तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट अप्रोच कर रहा है ना, तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब जितना एक्स से आ रहा है उतना आपका वाई से भी आ रहा है उतना आपका जेड से भी आ रहा है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन आपका क्या है बच्चों, ये कंडीशन आपका सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट वाला जो कंडीशन है वो एक्चुअली आप लोगों का एक इमेजिनरी कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट, देखो सिमेट्रिकल, आप देखो यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती ना, सबकी तो नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट, ठीक है, और दैट इज व्हाट, दैट इज अ इमेजिनरी कंडीशन। ये एक तरीके का कौन सा कंडीशन है बच्चों, इमेजिनरी कंडीशन है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ कि अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट आएगा तो क्या होगा, अब देखो अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट आएगा तो कुछ डी ऑर्बिटल आपके ऊपर के एनर्जी हाई एनर्जी लेवल के हो जाएंगे, कुछ लोअर एनर्जी लेवल के हो जाएंगे, मतलब कुछ यहाँ पर सम डी ऑर्बिटल यहाँ आ जाएंगे, समझ में आया, और यहाँ पर रिमेनिंग, यहाँ पर आपके एक्स डी मतलब पांच है ना, पांच में से एक्स यहाँ आ गए और वाई डी ऑर्बिटल यहाँ आ गए, ठीक है, वाई डी ऑर्बिटल आपके यहाँ आ गए, मैंने मान लिया, ठीक है, एक्स डी ऑर्बिटल ऊपर चले गए, वाई डी ऑर्बिटल नीचे आ गए। अब ये क्यों हुआ, अब यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर तो मैंने सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट माना था, लेकिन एक्चुअली में जो लिगेंट होता है वो कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट। तो अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट होने की वजह से वो कुछ डी ऑर्बिटल को ऊपर भेज देंगे, कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ाएंगे और कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी को घटाएंगे। तो दिस इज ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो बाद में पक्का आ जाएगा। दिस इज ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट। ये अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट की वजह से आपके कुछ की एनर्जी बढ़ा रहे, कुछ की एनर्जी घटा रहे, समझ में आया। अब किसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, जो लिगेंड के सबसे क्लोज होगा और जो लिगेंड से सबसे दूर होगा उसकी एनर्जी को घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिगेंड के क्लोज होगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट ये कुछ की एनर्जी बढ़ाएंगे, कुछ की एनर्जी घटाएंगे। और यहां पर अभी ये क्या है, अभी इसको बोलेंगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल। यहां पर अभी इसको क्या बोलेंगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर दिस इज ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट एंड अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट एंड क्या, इन प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट, अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट
लिगेंड डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल विल लॉस्ट देयर डीजेनरेसी। मतलब डी ऑर्बिटल उसकी डीजेनरेसी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये बात को ध्यान से समझना। लिगेंड आपके दो टाइप के माने गए हैं, सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड और अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड। सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड की वजह से डीजेनरेसी खत्म नहीं होती। सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड अगर चारों तरफ से अटैक करेगा तो सिमिलरली वे में करेगा, एक वो ऐसा नहीं करेगा कि एक को देगा एक को नहीं करेगा, चारों तरफ से उसमें इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो मतलब वहां उस टाइप के लिगेंड को क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड, सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड। लेकिन अनसिमेट्रिकल किसको बोलेंगे, जिसमें जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होगा और जो लोन पेयर ऑफ लिगेंड होंगे उनके बीच क्या होगा, डिस्टेंस आपका अलग अलग होगा। तो वो कौन से होंगे बच्चों, आपके अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्लियरली। चलो अब हम समझते बच्चों अब इसके कंसेप्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको डी ऑर्बिटल को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, डी ऑर्बिटल। तो टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल मैं लिखवाता हूँ, आप समझना। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, फिर हम जो चलेंगे एक एक करके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, फिफ्थ टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, टू टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल वो आर हियर। कौन से, पहला होगा बेटा जो लॉब्स प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, लॉब्स प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, और बी आपका होगा lobes are present on the plane, on the plane, lobes are present on the plane। मतलब कुछ में lobes आपके कहाँ present होंगे, plane पर, और कुछ में lobes आपके कहाँ present होंगे, axis पर। अब axis पर कौन से lobes कौन से होंगे बच्चों, देख लेते हैं। अब देखो पहला है इसमें आपका DZ2, समझना DZ2 को अच्छे से समझना, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस है, यहाँ पर एक्स और ये वाई मान लिया मैंने, ठीक है। एक्सिस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई के डायरेक्शन में यहाँ पर आपका एक रिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई के प्रेजेंस है, और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से। आप देखो जो ये लॉब्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, डी जेड पर, मतलब जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस के अलोंग है, और एक्स वाई पर भी आपका लॉब मतलब रिंग प्रेजेंट है। तो आप लोग ये जानो कि आपका डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो आपके एक्स और वाई प्लेन पर भी प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, जेड एक्सिस के अलोंग कहाँ प्रेजेंट है, जेड एक्सिस के अलोंग। ये बात ध्यान रखो, ये जो लिखा रहा हूँ वो तो तरीका काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को ऐसे समझना चाहिए। सेकंड जो है बेटा इसी में लॉब्स ऑन द एक्सिस में, इसको थोड़ा उधर बना लेंगे। इसमें सेकंड है DX2Y2। अब DX2Y2 कैसे होगा बच्चों, समझो। आप देखो DX2Y2 ये x पर है और ये y पर है। अब DX2Y2 में कैसे बनेगा बेटा आपका, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन, बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां प्रेजेंट है, ऑन द एक्सिस ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पर ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब अलोंग द एक्सिस, इसको अलोंग द एक्सिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अलोंग द एक्सिस। बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट को ध्यान से समझो, मैं जो लिखा रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका की पॉइंट है।
ठीक है। अब देखो अगला कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, अगला डी ऑर्बिटल होता है जिसमें लॉब्स आपके प्लेन पर प्रेजेंस हो। लॉब्स आपके कहाँ प्रेजेंस हो बच्चों, प्लेन पर। तो अगला कहाँ होगा बच्चों, बी लॉब्स प्रेजेंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर प्रेजेंट होगा लॉब्स आपके। लॉब्स आपके कहाँ प्रेजेंस होंगे बच्चों, प्लेन पर। तो सबसे पहला कौन सा होगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो इसको क्या बोलेंगे डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मतलब कि क्या होगा बच्चों, ये आपका जेड एक्सिस है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ प्रेजेंस है, एक्स वाई प्लेन पर। कहाँ प्रेजेंस है, एक्स वाई प्लेन पर। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया होगा, अब ये आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक और डी ऑर्बिटल होता है डी एक्स जेड, तो ये मैंने एक्स बनाया, ये मैंने जेड बनाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो गया x और ये हो गया आपका z, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग y, तो इसको बोलेंगे dxz। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां प्रेजेंस होगा बच्चों, यहां पर xz प्लेन पर। कहां प्रेजेंस होगा, x और z प्लेन पर। बात क्लियर है, एक्स जेड प्लेन पर। अगला क्या होगा बच्चों, यहां पर अब देखो यहां पर आपका होगा ये आपका वाई जेड, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां प्रेजेंस होगा, वाई जेड पर। कहां प्रेजेंस होगा, वाई जेड पर। अब आप देख सकते हो ऐसे बनाया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंस ऑन वाई जेड प्लेन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है बच्चों, उसको ध्यान रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो टाइप के आपके होते हैं बच्चों, आपके डी ऑर्बिटल, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का होता है, ठीक है। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, क्लेरिफाई हो गया होगा। चलो अब हम एक एक करके समझेंगे कि हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, ठीक है। तो समझना यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो समझना यहां पर 6 पॉइंट, मतलब ड्यू टू द, समझना यहां पर यहां पर 5th पॉइंट, ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट, ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट, मेटल आयन, डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन विल लॉस देयर डीजेनरेसी, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिट हो जाना, मतलब दो पार्ट में टूट जाना, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यही तो फिर बात में इतने देर से बोल रहा हूँ, एक ही बात 50 बार बोल दिया बेटा, अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो एक ही बात घुमा फिरा के वही लाइनें लिखने को मिल रही है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों एक एक करके, सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल। अब देखो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स।
अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हम कैसे देखेंगे, अब सबसे बड़ी बात है, कोई नहीं बताएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगा बच्चों, उसको समझेंगे, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग आपका किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ। यह होगा ऑक्टाहाइड्रल, यह आपका होगा पक्का ऑक्टाहाइड्रल। इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए, क्या ये ऑक्टाहाइड्रल होगा, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल होगा। तो लीगेंड कहाँ आएगा, लीगेंड यहां अप्रोच करेगा, लीगेंड यहां अप्रोच करेगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका होगा मेटल आयन, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में इस तरीके से नहीं है। अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो ऑक्टाहाइड्रल इस तरीके से बनेगा, इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऑक्टाहाइड्रल में आप लोगों को बना के बताता हूं, ऑक्टाहाइड्रल समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो इसमें क्यूब में मैंने बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब देखो यहां से यहां गया एक, और एक ऐसे होगा लाइन, और एक ऐसे पीछे जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, और एक आगे जाएगा ऐसे, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा ऐसे। तो ये अगर मैं जो लाइनें आपस में देखोगे, ये आपस में क्या है, ऑक्टाहाइड्रल है। ऑक्टाहाइड्रल का मतलब छः, छः से जुड़ने वाला ऑक्टाहाइड्रल है। अब ये ऑक्टाहाइड्रल है तो यहाँ पर लिगेंट अप्रोच कर रहा है, 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 यहाँ पर लिगेंट अप्रोच कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, लिगेंट इज डायरेक्टली अप्रोच ऑन एक्स एक्सिस, लिगेंट इज डायरेक्टली अप्रोच ऑन वाई एक्सिस, लिगेंट इज डायरेक्टली अप्रोच ऑन जेड एक्सिस। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंट इज, लिगेंट इज मोर, लिगेंट विल मोर क्लोजर, मोर क्लोज टू, मोर क्लोज टू, मोर क्लोज टू, मोर क्लोज, लिगेंट विल बी, लिगेंट विल, लिगेंट विल अप्रोच, लिगेंट विल अप्रोच ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। सो दैट्स वाई, सो दैट्स वाई, सो दैट्स वाई, दैट्स वाई लॉब्स विच इज प्रेजेंट, लॉब्स विच इज प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, लॉब्स विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हाईली रिपल्सिव फोर्स, हाईली रिपल्सिव फोर्स, हाईली रिपल्सिव फोर्स बिटवीन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन लॉब्स, इलेक्ट्रॉन इन लॉब्स एंड, इलेक्ट्रॉन इन लॉब्स एंड लोन पेयर ऑफ लीगेंट। अब समझ में आया क्या मैंने लाइन लिखाई। अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में लीगेंट कहाँ अप्रोच कर रहा है आपका, ऑन द एक्सिस में। अगर ऑन द एक्सिस लॉब्स पे अप्रोच करेगा तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स को कौन से आपके ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करेंगे, और सबसे ज्यादा वही आपके ऑर्बिटल ऑन वो एक्सपीरियंस करेंगे जिनके क्या होगा, लॉब्स ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से समझना आप यहाँ पर, अब ये पॉइंट आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड आप लोगों का बताता हूँ, अब समझना, ये साइड में लिख लेना बच्चे। अब समझना यहाँ पर मैं कैसे बना रहा हूँ डायग्राम, समझना आप क्लियरली। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले
सबसे पहले डी ऑर्बिटल होंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये आपके डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन इन आइसोलेटेड गैसेस स्टेट, इन आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मतलब अकेला है। अब यहाँ पर अगर मैंने बोला सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट अप्रोच करेगा तो ये तो इमेजिनरी कंडीशन हो गया, ये हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और ये आपका एनर्जी लेवल, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एनर्जी लेवल। अब समझना, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एनर्जी लेवल, ठीक है, रेजोनेंस में कराता था, ड्यू टू द सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, और ये कौन सा कंडीशन होता है बच्चों आप लोगों का, इमेजिनरी कंडीशन, कौन सा होगा, इमेजिनरी कंडीशन, बात क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, अब ये बताओ कौन से ऑर्बिटल आपके ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्सिव फोर्स, डीजे टू करेंगे, डीएक्स2 वाई2, आपके पास पांच और ऑर्बिटल है, देखो DZ2, DX2, Y2, DXY, DYZ और DZX, कौन से ज़्यादा अच्छे से रिपल्सिव ऑन द एक्सिस वाले करेंगे, दोनों के दोनों रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये इसमें XY प्लेन वाला भी इक्वल करेगा, जितना XY प्लेन वाला रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसमें ध्यान रखना, जितना XY प्लेन वाला रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना YZ प्लेन वाला भी करेगा, उतना ZX, मतलब एक्सपीरियंस इन रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पर क्या होगा DZ2 और DX2 Y2, ठीक है, इन दोनों का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो सिमिलर, सेम रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस, और यहां पर भी ये तीनों के तीनों आपके क्या करेंगे, सेम रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, आप देखो सेम रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, अब देखो कौन कौन, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा कौन रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों आपका, इन दोनों में से ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका ये वाला, तो क्या होगा, अब जैसे ही वैसे ये आइडियल कंडीशन है आपके लिगेंड कौन से होते हैं, अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड, जैसे ही अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड आएगा वैसे ही आपके ये दो ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी इन तीन की एनर्जी कम आपकी हो जाएगी, इस तरीके से आपका टूटेगा, यहाँ पर स्प्लिटिंग आपका इस तरीके से होगा, DXY, DYZ, DXZ, ठीक है, और जो स्प्लिटिंग होगी इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों आप लोग 10 DQ, इसके बारे में मैं आपको आगे बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ, इसको हम बोलते हैं डेल्टा नोट, ठीक है, डेल्टा नोट क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों, डेल्टा नोट, और ये जो होता है ये आपका क्या होता है, बरी सेंटर, ये कौन सा सेंटर होता है, बरी सेंटर, ये बात ध्यान रखो कौन सा होगा, बरी सेंटर, समझना। अब देखो यहां पर आपका, सुनो ध्यान से, यहां पर आपका देखो इस यहां जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू होगी कितनी होगी बच्चों आपके, अब बात को ध्यान से समझना, देखो या इसकी वैल्यू होगी बच्चों आप लोगों के 3/5 डेल्टा नोट प्लस में, देखो कैसे हुआ उस चीज को समझो, ये 3/5 से बढ़ जाएगी, मतलब पांच ऑर्बिटल है, पांच ऑर्बिटल का तीन पार्ट इसके पास जाएगा और दो पार्ट किसके पास जाएगा, इसके पास, किसी को इसका डेरिवेशन अगर पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, -2/5 डेल्टा नोट, ठीक है। अब यहां पर आप समझ लेना, यहां पर मैं लिखा देता हूं, यहीं पर लिखाता हूँ बेटा मैं इसके बारे में, उसके बारे में यहाँ लिखा रहा हूँ, समझना, डेल्टा नॉट इज अ क्रिस्टल फील्ड
स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इसको बोलते हैं हम लोग इन शॉर्ट में CFSE, इन ऑक्टाहाइड्रल। ओ का मतलब ये जो ओ लिखा है ना, इसका मतलब होता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की। आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर किसकी एनर्जी बढ़ती है, किसकी एनर्जी घटती है, वो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। कंबाइनली ऑन द एक्सिस वाले लोब को हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल। कौन से बोलते हैं? ईजी ऑर्बिटल। और कंबाइनली इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? T2g ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? T2g ऑर्बिटल। आई होप श्योर कि अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ये तो था हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और डेल्टा नोट आपका जो किसके इक्वल होता है? 10dq के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 10dq, जो मैं आपको आगे जाके बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों। ये तो यहाँ तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर लिया। किसके लिए बात कर लिया? 6 के लिए। अब हम समझते हैं किसके लिए बच्चों? अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो 4 के लिए तो बेटा दो स्ट्रक्चर बनेंगे। 4 के लिए आपके कितने बनेंगे बच्चों? दो स्ट्रक्चर बनेंगे। कौन कौन से बनते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए? आपका बातों को ध्यान से समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपका टेट्राहेड्रल बनेंगे। अब देखो, स्प्लिटिंग इन बेटा कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैं लिख के आप लोगों को दे सकता हूँ कि मेरे थियोरी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। थियोरी इसी में से फंस जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एडवांस लेवल की थियोरी मैंने बताई है, तो थियोरी से बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, तो आप बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो इससे रिलेटेड। ठीक है, ये मैं एनर्जी ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एनर्जी मैंने बना दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम पहला क्या देख रहे हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी? अब आपको टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री को समझना है। अब देखो, ये मैं टेट्राहेड्रल बनाता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्यूब बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ होगा। अब देखो, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके का होगा बच्चों आप लोगों का। ये इस तरीके का होगा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में क्या होगा? इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंट विल अप्रोच। ये आपका टेट्राहेड्रल कैसा होता है बच्चों? 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। समझना ध्यान से, 3D स्ट्रक्चर होता है। किसी को इसमें डिटेल में जाना हो तो वो मुझसे पूछ भी सकता है। ठीक है ना, लिगेंट विल अप्रोच ऑन द प्लेन ऑफ XY, YZ and ZX। ठीक है, ZX। सो दैट्स वाई D orbital which lobes are present on
प्रेजेंट ऑन द प्लान एक्सपीरियंस्ड हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब क्या करेगा बच्चों, जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है लिगेंड आपका अप्रोच करेगा ऑन द प्लेन ऑफ xy, xy, yz, and zx, सो दैट्स व्हाई डी ऑर्बिटल विच लॉब्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन वो हाईली मतलब रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, हाईली रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। जब वो हाईली रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो उन्हीं डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा जो जिनके लॉब एक्स वाई एक्सिस पर होंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स शुड बी इंक्रीज, मतलब जो ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, समझ में आ गया, तो उसकी एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात, आप लोगों को समझना चाहिए, लेकिन इन तीनों की एनर्जी आपकी सेम रहेगी क्योंकि आपके सिमिलरली अटैक होगा, यहाँ पर सिमेट्रिकली अटैक होगा और यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर सिमेट्रिकली अटैक होगा, ठीक है। आई होप श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। अब यहाँ पर तो यहाँ तक तो कंडीशन ठीक है, इक्वल है डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट। अब यहां पर आइसोलेटेड गैसेस स्टेट की बात की है, ठीक है। ड्यू टू द सिमेट्रिक फील्ड लिगेंड क्या होगा बच्चों, डी ऑर्बिटल यहां पर डीजनरेटेड होंगे, जैसे ही अनसिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड आएगा वैसे ही ये अपनी क्या कर देगा, लॉस कर देगा डीजनरेसी अपनी लॉस करेगा। जैसे ही ये अपनी डीजनरेसी को लॉस करेगा, अब बताओ किसकी एनर्जी ऊपर आएगी, इसकी या इसकी, इसी की आएगी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पर हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, देखो ये आपका ऊपर चला गया, देखो ये आपका ऊपर चला गया और ये आपका नीचे चला गया, ठीक है, ये आपका नीचे चला गया दो ऑर्बिटल। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, टी टू जी ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं, ई जी ऑर्बिटल, बात क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स टू वाई टू, और इसको क्या बोलेंगे, डी जेड टू, और इसको क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो डेल्टा टी होगा, यहाँ पर जो सी एफ एसी होगा वो किसकी वजह से आएगा, टेट्राहेड्रल की वजह से, किसकी वजह से आएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल की वजह से। तो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा यहाँ पर डेल्टा टी, उसका मीनिंग क्या होगा, डेल्टा टी यहाँ पर होगा सी एफ एसी इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात समझते जाओ बच्चों, बाद में मैं आपको इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से लेवल पे बताने वाला हूँ, ठीक है। और ध्यान रखो इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, बरी सेंटर, इसको हम क्या बोलेंगे फिर, यहाँ पर बरी सेंटर, इस एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे बरी सेंटर, ठीक है। अब ये जो होगा बच्चों यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू होगी -2/5, दो ऑर्बिटल वाला 2/5 डेल्टा टी प्लस में, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों आपके -3/5 डेल्टा टी। अगर किसी बच्चों को इस चीज़ का डेरिवेशन पता लगाना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, वैसे आपके रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, वो पर्सनली मुझसे आके पूछ सकता है कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ तक आ गया, चलो ठीक है, अब देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, वो क्लियर है, बस इस तरीके से आपका होता है डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है, आप लोग इसको होप श्योर की कर लोगे, ठीक है। और इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं, इसमें इतना ही है, बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन तीनों का पहले स्क्वायर प्लानर का भी बता देता हूँ। अब
अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर चार में एक और स्ट्रक्चर बनता है बच्चे बच्चों आप लोगों का स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनता है? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं बच्चों। अब हम जल्दी से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का भी देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं दिया गया बियॉन्ड द सिलेबस है, लेकिन फिर भी स्क्वायर प्लानर में आप लोगों की एनर्जी का ऑर्डर आपसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वो बियॉन्ड द सिलेबस है, फिर भी मैं आप लोगों को वो एनर्जी का एक दो जगह क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस बुक को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो सेकेंड इसमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का कैसे निकालेंगे बच्चों, समझ लेते हैं। देखो जनरली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स वैसे आप लोगों को पढ़ लेना है, एनर्जी पढ़ लेना है, बस ध्यान रखना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, मैक्सिमम आप लोग कम से कम फोकस इस पर करिएगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का कैसे निकालेंगे बच्चों, समझते हैं। देखो तो यहाँ पर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कैसे होगा बच्चों, समझिए, मैं क्यूब बना रहा हूँ, क्यूब में आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, क्यूब में आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा बच्चों, क्यूब अगर करोगे तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यूब अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो ये आपका क्यूब वाला है, अब देखो स्क्वायर प्लानर करना है, स्क्वायर प्लानर कैसे होगा बच्चों, अब देखो स्क्वायर प्लानर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर चार होगा, तो ये आपका स्क्वायर प्लानर होगा, ये मान लिया ये वाला साइड और एक ये वाला। ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे ना बना के मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ऐसे बना दिया और एक मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर है, लिगेंट आपका कहाँ अप्रोच करेगा, एक्स एक्सिस पर, और लिगेंट आपका कहाँ एक्सिस, कौन से एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर अप्रोच करेगा। ठीक है, कौन से एक्सिस पर अप्रोच करेगा बच्चों, आपके वाई एक्सिस पर। ठीक है, इन दोनों पर आपका लिगेंट अप्रोच करेगा। अब आप लोगों को पता पड़ गया होगा, जैसे ही आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अप्रोच करेगा तो किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स लिगेंट विल अप्रोच ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो लॉब्स d orbital which is present on x axis and y axis, x axis and y axis feel highly यहां पर लिख लो experienced highly repulsive force। मतलब कहने का बात यह है बच्चों, यहां पर मेरे कहने का बात यह है, इस बात को समझना, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जो आपका लिगेंट होता है वो डायरेक्टली अप्रोच करता है एक्स वाई एक्सिस पर अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी जिसके लॉब्स आपके एक्स वाई एक्सिस पर प्रेजेंस होंगे, मतलब वो क्या करेंगे बच्चों, हाईली रिपल्सिव फोर्स आपके एक्सपीरियंस्ड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई लॉब्स पर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन पर होगी वो ज़्यादा क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आपकी एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी आपकी किसकी हो जाएगी बच्चों,
डी एक्स टू वाई टू, क्योंकि जो इसका जो लॉब है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्योरली प्योरली आपका एक्स वाई एक्सिस पर है, प्योरली आपका कौन से एक्सिस पर है, एक्स वाई एक्सिस पर है, प्योरली यहाँ पर आपका जो लॉब है वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स वाई एक्सिस पर है, ठीक है। फिर आपका अगर मैं एनर्जी ऑर्डर लिखना चाहूँ तो एनर्जी ऑर्डर, अब ये बात समझो, इसके बाद एनर्जी आएगा डी एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन पर तो है, मतलब एक्स वाई प्लेन पर तो आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा डी जेड टू, मतलब आपके मैंने यहाँ बताया था इस ऑर्बिटल में रिंग प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग प्रेजेंट होती है जो कि एक्स वाई प्लेन पर होती है, इसीलिए ये भी आपका फील करेगा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, मतलब सारे लॉब्स एक्स वाई के प्लेन पर है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या होगा डी वाई जेड, मतलब एक लॉब आपके वाई वाले प्लेन पर प्रेजेंट है, तो वही आपका एक्सपीरियंस करेगा और ये दोनों की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक लोब आपका कौन से एक्स वाले प्लेन पर है, तो जेड वाले प्लेन पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी आपकी लोब बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी एनर्जी आपकी सेम रहेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी किसकी होगी बच्चों, डी एक्स टू वाई टू। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा समझने की कोशिश करना बच्चों, तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले मैं इसको सिंपली तोड़ देता हूँ, ठीक है ना, टी टू जी ई जी और उसमें ई जी और उसमें तोड़ देता हूँ, ये तीन, ठीक है, ये तीन और ये दो, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपका होगा इसको सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल टाइप का तोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर दो, ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तीन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी एक्स टू वाई टू और ये हो जाएगा आपका डी जेड टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है, ऐसा सिंपली तोड़ा मैंने। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आपकी हो जाएगी, डी एक्स टू वाई टू की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों, डी एक्स टू वाई टू की, और इसकी वैल्यू वो 1.13 के अप्रोक्स जाएगी बच्चों, वो आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा डी एक्स वाई, तो उसके बाद आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर डी एक्स वाई डी एक्स वाई, उसके बाद आपका कौन सा आएगा डी जेड टू, इस तरफ आ जाएगा डी जेड टू, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में डी वाई जेड और यहाँ पर डी एक्स जेड, तो इस तरीके का आपका एनर्जी का वैल्यू रहेगा और इस तरीके का आपका स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग आपका होने वाला है, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग किस तरीके से करते हैं और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग किस तरीके से करते हैं और हम लोग टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंपेरिजन बिटवीन, अब मैं एक यहाँ पर पॉइंट लिखवा देता हूँ, उस पॉइंट से रिलेटेड मैं कंसेप्ट आप लोगों से बात करूंगा, ध्यान रखना। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखना सी एफ ए सी मतलब डेल्टा, और स्क्वायर प्लेनर की बात करो तो एस क्यू लिखूंगा, फिर डेल्टा नॉट, फिर डेल्टा टी, ठीक है, मतलब डेल्टा एस क्यू की सी एफ ए सी क्या होगी, मतलब यहां पर इसको लिख सकते हैं सी एफ ए सी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद किसकी होगी बेटा सी एफ ए सी ऑफ ऑक्टाहाइड्रल, उसके बाद कौन सी होगी बच्चों सी एफ ए सी ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, फिर उसके बाद बात है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी। हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप यहां पर है ना लीनियर का बना के बताना, लीनियर का बना के बताना, लीनियर का किस तरीके से स्प्लिटिंग होगा वो अगर आप लोगों ने बना के बता दिया तो आप लोगों को 100% आप लोगों को ये कंसेप्ट प्योरली समझ में आ गया। तो लीनियर का आप एक बार एनर्जी ऑर्डर बना के बताना, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा समझना,
ये आपका 9/4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा टेट्राहेड्रल से। कितना? 9/4 टाइम्स। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से, तो अभी फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखें, ठीक है? इतना आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं रखा तो आप लोगों को आगे वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? कल हम इससे रिलेटेड और भी बातें करेंगे, तो यहाँ तक आई होप श्योर कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।